Hello students, today we are discussing about motion. Before the starting of the motion, we have some topics need to know about motion and about the physics. First question is what is physics? Physics is the study of nature and its law. Physics में हम लोग किसके बारे में? Nature और its law के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. Next topic आता है कि what is the vector quantities and scalar quantities. There are two quantities in physics we consider. First is the scalar quantities and second is the vector quantities. A scalar quantities means what? First is the scalar quantity. A scalar quantities means which have only magnitude. Agar if a quantity which have a only magnitude, that is called the scalar quantity. जैसे मैं बोलूँ 5 kg, 10 kg, तो इसमें 10 क्या है? Magnitude है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? Scalar quantity बोलते हैं. Next हमारे पास में आता है कि vector quantity. Next आता है vector quantity. Vector quantity क्या होता है? The quantity which have मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अगर कोई भी क्वांटिटी है जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. जैसे मैं बोलूं कि 10 न्यूटन यानी 10 न्यूटन्स फोर्स लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, या कोई भी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया? डायरेक्शन दिखा रहा है डाउनवर्ड, और 10 न्यूटन क्या दिखा रहा है? मैग्नीट्यूड भी दिखा रहा है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द क्वांटिटी. फर्स्ट इज द स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड इज द वेक्टर क्वांटिटी. एक स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. अगर जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, जो हमें सिलेबस में पढ़ना है मोशन में. मोशन में हमें क्या पढ़ना है? फर्स्ट टॉपिक है कि मोशन होता क्या है, और सेकेंड इज द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. तो पहले हम लोग समझ लेते हैं मोशन क्या होता है. देखो, मोशन क्या होता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. क्या होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो कि सुबह 8 AM में अपने घर पे है, थोड़ा देर के बाद में वो अपने स्कूल आ गया, तो क्या हुआ कि उस ऑब्जेक्ट का, जैसे तुम ही हो, तुम घर पे हो, घर से थोड़ी देर के बाद में तुम स्कूल आ गए, तो क्या हुआ कि तुमने कुछ टाइम के बाद में तुमने अपना पोजीशन चेंज कर दिया, घर से होम से तुम स्कूल चले आए. तो इस तरह से मोशन डिस्क्राइब होते हैं जिसमें क्या पोजीशन चेंज होते हैं. ऐसे ऐसे चीज़ों को हम लोग मोशन में पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक की बात हम लोग करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारे पास में मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन. अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी मोशन जो है सीधी रेखा में यानी एक ही लाइन में हो तो उसको बोलते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. लेट सपोज, एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. तो एग्जांपल में क्या है कि ये तुम्हारा होम है, सपोज करो कि ये तुम्हारा होम है और ये तुम्हारा मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल है, MLNPS है, यानी मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल है. अब हम क्या करते हैं, इस होम से जब हम मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के डिस्टेंस देखते हैं, सपोज करो कि 100 मीटर मान लो ये है, तो क्या करेंगे हम लोग, या इस होम को क्या ओरिजिन मानेंगे, यानी 0.0 मानेंगे. क्या मानेंगे? 0.0. और इस लाइन में जो है, इस लाइन में अगर हम चलना चालू करते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं, तो ये लाइन क्या स्ट्रेट लाइन का लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट है सीधा. तो इस तरह के मोशन हो, जैसे इस तरह से स्ट्रेट लाइन में अगर चलते हैं, तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं कौन सा? मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. यानी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें एक ही लाइन पे चलते हैं. अब वापस भी अगर हमें स्कूल से आना है तो हम 100 मीटर आ जाएंगे वापस, तो इसमें क्या हो गया कि इसे हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन करते हैं.
और अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी विदाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वी नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज द मोशन। तो फर्स्ट टॉपिक इज नाउ स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। पहले वाले जो टॉपिक थे वो हमारे इंट्रोडक्शन क्लास इंट्रोडक्शन थे, समझो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। फर्स्ट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस होता क्या है? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस होता क्या है? देखो, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ विच इज ट्रेवल बाई द ऑब्जेक्ट। यानी क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक्चुअल में, उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। यानी जैसे सपोज करो कि मैं बोलूँ कि सपोज करो कि मैं भेजू तूने स्कूल गया था, इस पॉइंट से होम से स्कूल गया था, तो तुमने कितना स्कूल गया था, तो कितना तुमने डिस्टेंस ट्रेवल किया था? 100 मीटर। यानी 100 मीटर दूरी पे तुम्हारा स्कूल था। तो तुम यहाँ से एक बच्चा जो यहाँ से स्कूल जा रहा है, तो वो कितना चला? तो टोटल एक्चुअल वो उसने 100 मीटर चला। फिर स्कूल आ करके ये बच्चा वापस चला गया घर, तो कितना चला? 100 और चला, तो एक मतलब ये कितने चले? यानी ये 100 मीटर तो आते टाइम चला था और 100 मीटर जाते टाइम चला था, टोटल कितना हुआ? 200 मीटर। तो यानी दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस। यानी टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड फॉर द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन। यानी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। एक हम डिस्प्लेसमेंट का एक सिंपल सा ना एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। पहले तो डिस्प्लेसमेंट में भी हम लोगों ने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस होना चाहिए। उसी को या तो फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटा देते हैं तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ में आया क्या? ये एक्चुअल पाथ लेंथ नहीं है, जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था एक्चुअल पाथ लेंथ होता है डिस्टेंस में, उस तरह से नहीं है। देखो, अब डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं एक बार। लेट सपोज कि तुम यहाँ पे थे होम, होम वाले एग्जांपल ले लेते अच्छा रहेगा। सपोज करो कि तुम यहाँ पे थे होम और तुम्हारा स्कूल यहाँ था, स्कूल यहाँ पे था। तू डिस्टेंस जैसे तुम लोग क्या जा रहे हो, यहाँ से 100 मीटर गया, 100 मीटर गया, तो ये इनिशियल था, तुम यहाँ पे तुम था इनिशियल में, और फाइनल में कहाँ पहुँची है? स्कूल पहुँची है। अब तुम स्कूल से वापस फिर आते हो घर पे, तो फाइनल पोजीशन कहाँ पे आ गया? घर हो गया। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि देखो इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन करोगे तो इनिशियल जहाँ पे थे वहीं पे तुम वापस आ गए हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। कैसे 0 हुआ? क्योंकि देखो जिस पोजीशन से तुम चला था उसी पोजीशन पे वापस आ गया, तो हमारे पास में कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। क्या कि डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल समझाते हैं आपको। जैसे कि सपोज करो कि एक इंसान यानी एक चिंटू ए बी सी एंड डी। सपोज करो कि तुम्हारा रोहन सर, जो रोहन सर अभी पढ़ा रहे हैं वही सर है। सपोज करो कि ये यहाँ से स्टार्ट हुए चलना ए से, और यहाँ इसके बीच में डिस्टेंस दिया 1 मीटर 1 मीटर, सब है 1 मीटर का, ये स्क्वायर है मान लो। तो ए से स्टार्ट किया रोहन सर चलना और ये सी तक जा कर के रुक गए, हमेशा के सी तक जा कर के रुक गए। तो हमसे पूछा गया कि पहले क्या कि रोहन सर मास्टर ने रोहन सर का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना डिस्टेंस हुआ। तो डिस्टेंस के लिए कुछ करना ही नहीं होता है, डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। देखो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या हुआ कि ये ऐसे गया यहाँ से, फिर क्या हुआ यहाँ तक आया, यानी टोटल कितना चला? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया 2 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 मीटर।
बात अब आती है डिस्प्लेसमेंट का, कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो देखो इनिशियल पोजीशन में कहाँ था ये रोहन सर, ए पोजीशन पे। अब फाइनल पोजीशन में ये कहाँ आ गए, सी पोजीशन पे आ गए हैं। तो यानी इनिशियल पोजीशन ये हो गया और फाइनल पोजीशन ये हो गया। अब देखो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, यानी ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए। ये वाला डिस्टेंस अगर निकल जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, वन का स्क्वायर प्लस में वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए सी। यानी ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस में वन का स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट टू टाइम, यानी अंडर रूट टू हो जाएगा। तो यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अंडर रूट टू हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक पूरे सिलेबस में, फर्स्ट पढ़ा हमने वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा स्केलर क्वांटिटी के बारे में, फिर पढ़ा हम लोगों ने किसके बारे में,